यहाँ पे लेपर्ड साइटिंग हो जाती है? हाँ, बहुत बहुत बार होती है सर। जो सामने आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं इस रूम के पीछे की तरफ। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और ऐसी प्रॉपर्टी पर अलवर सिटी राजस्थान के अंदर, जहाँ आपको आ जाने वाला है टोटली मज़ा, और मेरे वीडियो के थ्रू मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट। तो मैं कहाँ पर हूँ? मैं हूँ यहाँ पर, देख रहा है ये अलवर वान्या विलास। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर आपको ज़िंदगी के मज़े आने वाले हैं। तो चलिए अंदर आ जाइए। आपको बता दूँ, अलवर बस स्टैंड से ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर हैं 14 रूम्स, लग्जरी रूम्स, जहाँ आपको फीलिंग आने वाली शानदार वाली। तो सबसे पहले जब अपन किसी प्रॉपर्टी पर आते हैं तो आराम करके कुछ खाने पीने को मन करता है, और यहाँ पर इनका ना सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी, जो देख के एक ऐसा लगता है कि बस अब पड़ जाओ यहाँ पे, आराम कर लो, रिलैक्स कर लो अपने आप को, और ऑर्डर कर लो कुछ अच्छा। ये है इनका डाइनिंग एरिया, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत ही क्लासिक डाइनिंग एरिया है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑर्डर करके आप अरावली हिल्स का व्यू ले सकते हैं। आइए आपको यहाँ के मैनेजर साहब से मिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? सर आपका नाम? शुभ नाम संदीप राघव सर। तो राघव जी, जी आगे हम आपके एरिया में। थैंक यू सर। तो बताओ कहाँ लेके चल रहे हैं सबसे पहले? जहाँ आप बोलेंगे सर, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, यहाँ पर हमारे पास टोटल 14 रूम्स है सर। अच्छा। बाकी लॉन आप जैसा देख रहे हैं, सिटिंग एरियाज अलग अलग हमारे बने हुए हैं। ओके। काफी सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो वो जो मैं सामने वहाँ सिटिंग एरिया देख रहा हूँ, जी जी सर, वो बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? लंच वगैरह या डिनर वगैरह, समथिंग लाइक दैट? बहुत लोग आते हैं सर फैमिली के साथ, जैसे अलवर से लोग आते हैं, लंच वगैरह लेते हैं, डिनर लेते हैं सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, जैसे अच्छी गुनगुनी धूप है, आराम से बैठ के लंच रिलैक्सेशन मोड पे करते हैं। प्लस अलग अलग हमारे पास पार्टीज वगैरह होती हैं, कॉकटेल पार्टीज वगैरह है, किटी पार्टीज वगैरह है, तो दे कैन सेट ओवर देयर एंड एंजॉय देयर डिनर एंड लंच। ओके जी। तो भैया अपने यहाँ रूम कितने से स्टार्ट है जो आपका? हमारे पास दो तरह की प्राइसिंग है, एक हमारा लग्जरी रूम है, 5000 रुपीज़ है सर। अच्छा। दूसरा हमारा हायर कैटेगरी है जिसका 6000 रुपीज़ है। ओके। ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, दो लोगों का इसमें रहना है सर। अच्छा जी। तो अगर मान लो सपोज करो हम 3 या 4 फ्रेंड्स हैं, एक जी, रूम जी, में रुकना चाहते हैं, तो इज दिस पॉसिबल फॉर यू? बड़े आराम से रुक सकते हैं सर, रूम के अंदर मैट्रेस वगैरह लग जाएगा, रूम काफ़ी बड़े हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर में रूम दिखा देता हूँ। तो आराम से 2 मैट्रेस लग सकते हैं, 4 लोग आराम से एक ही रूम में एडजस्ट हो सकते हैं सर। फैमिली है 4 लोग की, 2 लोग हैं, बच्चे हैं साथ में, एडजस्ट हो जाते हैं सर। ओके जी सर। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ पे ये भी है। हेलो, ये जय है, और ये दीक्षित है जी। आइए सर, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट हॉल दिखाता हूँ आपको। तो ये है इनका रेस्टोरेंट, इसको देखते ही ना एक वर्ड निकल रहा है मुंह से, वाओ। ये क्या है बेसिकली? ये अरोमा के लिए लगाया हुआ है सर हमने। यहाँ सामने आप देख सकते हैं, जैसे कि इस तरफ यहाँ सामने हमारा पूरा बुफे लगता है। अच्छा जी। बाकी जो भी ये आइलैंड काउंटर है, जो सैलेड स्टेशन वगैरह पूरा आता है। अच्छा। पूरा फुल रेस्टोरेंट है, 125 से 150 लोग आराम से इजिली हमारे पास इजिली केटर हो जाते हैं सर। ओके जी सर। जैसे हमारे पास एनिवर्सरी प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के कई प्रोग्राम होते हैं, रिंग सेरेमनी हो गई, छोटी शादियां हैं जो 150 लोग 200 लोग, एक अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन जो प्लान कर रहे हैं। अच्छा। उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में ये रिजॉर्ट बना हुआ है सर। ओके। जी सर। हल्दी मेहंदी के लिए अलग अलग जगह है, जैसे हमारे पास पूल साइड है, रूफ टॉप है, अभी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा सर। अच्छा। तो हम अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग चीज़ें प्लान कर सकते हैं। आगे हम सेकंड फ्लोर पर और हम जा रहे हैं। भैया कौन से रूम की तरफ बढ़ रहे हैं अपन? सर अभी मैं आपको मेरा लग्जरी रूम दिखा रहा हूँ। इस तरह के हमारे पास कुल मिला के 12 रूम है। अच्छा। अलग अलग इंटीरियर्स है रूम का, रूम का साइज सेम है सर। जय सर, एक बार आप रूम दिखाएंगे एक बार सर। तो लग्जरी रूम्स कितने से स्टार्ट है सर? 5000 रुपीज से स्टार्ट है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है पर रूम पर नाइट सर। ये सर हमारा रूम हो गया सर, लग्जरी रूम है सर। अच्छा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ वार्डरोब है, टी कॉफी मेकर लगा हुआ है। अच्छा। इस तरफ बेड हो गया। ओके। रूम के इंटीरियर्स अलग अलग है, कुछ वुडन पैनल्स पे है, कुछ वेलवेट पे है। ओके। और देखिए गाइस, यहाँ से ना सबसे अच्छी चीज़ जो दिखती है वो अरावली पर्वतमाला की खूबसूरती, अरावली हिल्स की खूबसूरती, और ये इनका लॉन। सबसे बड़ी चीज़ जो इन पेड़ों ने खूबसूरती बिछा रखी है इस जगह, यूकेलिप्टस यानी सफ़ेद के पेड़, तो ये अलग ही महत्व रखते हैं इस रूम का। तो बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं भैया, टच वाज वेरी गुड। थैंक यू। तो अभी अपन कहाँ जाएंगे भैया?
इसके बाद सर मेरी एक दूसरी कैटेगरी है, अच्छा वो मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि मेरी हायर कैटेगरी है, स्टूडियो रूम है सर। ओके जी, उससे और भी बेहतरीन व्यू आता है सर रूम से। वो कितने का पड़ता है सर? वो 6,000 रुपीज का है सर। और उसमें लंच या कुछ? या इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है सर। अच्छा जी सर, ब्रेकफास्ट के साथ पर रूम पर नाइट फॉर टू पीपल सर। ओके जी, बाकी आपकी तरफ से कोई गेस्ट आता है तो हम उनको 10% डिस्काउंट रखेंगे आपके रेफरेंस से, अगर हमें कोई कॉल करता है आपके इस वीडियो के माध्यम से सर। मेक माई ट्रिप, गो एबीबो, booking.com, क्लियर ट्रिप, अगोड़ा, जितने भी पोर्टल्स हैं ऑनलाइन है, 10-12 पोर्टल सब पे ऑनलाइन है हम लोग। तो इन पे जो आपको प्राइस दिखाई देगी, जो भी प्राइस आ रहा है 5,000-6,000 प्लस GST या विदाउट GST, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर जो आप स्क्रीन पर नंबर देखते हैं उस पर कॉल करके ये बोलते हैं कि मैं ओम प्रकाश सोनी ब्लॉग्स की वीडियो देख के आपको कॉल कर रहा हूँ, तो दे डेफिनेटली विल गिव यू 10% डिस्काउंट। अब आ जाइए, बढ़ते एक शानदार रूम की तरफ। ये है रूम नंबर 107। ऐसे सिर्फ स्पेशल दो रूम है, एक ऊपर एक नीचे। अभी हम नीचे वाले में हैं। तो ये रूम थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पे डबल साइडेड व्यू है। यहाँ पे लेपर्ड साइटिंग हो जाती है कभी कभी? हाँ, बहुत बहुत बार होती है सर। ये जो सामने आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं इस रूम के पीछे की तरफ, अच्छा यहाँ पे कई बार ऊपर से लेपर्ड हमें साइट सीइंग हुआ है सर। अच्छा, जी तो बिल्कुल टॉप पे कई बार, मतलब जैसे सर्दियों में धूप सेकता हुआ मिलता है सर। अच्छा, और कई बार शाम को भी इवन मिलता है सर। ओके, तो हाँ ये मतलब ये ट्रेल पे चलता है? हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे सर। अब ओपन कहाँ जाने वाले हैं? रूफ टॉप जाने वाले हैं सर। रूफ टॉप पे भी है ना लिफ्ट जाती है सर? मोस्टली हमारे पास जैसे लंच के गेट टुगेदर्स होते हैं अभी सर्दियों में। अच्छा। और गर्मियों में हमारे पास डिनर के बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, पूरा बुफे का जो लेआउट है वो इस तरफ आ जाता है सर। अच्छा। राउंड टेबल की सेटिंग्स के साथ एक राइज लाइट का बहुत ही प्यारा एक शानदार सा डेकोरेशन वगैरह हो जाता है। तो ये लाइट जो है जी इधर पड़ती है क्या? हाँ, पहाड़ के ऊपर भी लाइट डालते हैं सर। अच्छा। वो तो जैसा भी चाहिए होता है। और यहाँ सामने इस तरफ देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे। अच्छा। यहाँ ये पूरा बार काउंटर का सेटअप वगैरह ये हो जाता है। ओके। बीच में हम लोग सारी यहाँ पे राउंड टेबल्स वगैरह आराम से 60-70 लोगों की हम लोग गैदरिंग बड़े आराम से कर सकते हैं सर। बर्थडे है, किटी पार्टी है, कॉकटेल पार्टीज है, इस तरह की पार्टीज होती रहती हैं। कॉमन वॉशरूम ऊपर ही है सर, ये सारी चीज़ें यहीं पर हो जाती है मैनेज सर। ब्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। मेरे साथ हैं जय भैया और संदीप भैया। तो ये यहाँ से प्रॉमिस कर रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे अगर नंबर देख के आप कॉल करते हो और मेरे वीडियो के थ्रू बुकिंग कराते हो, कि मतलब जो भी आपका टोटल बिल बनेगा उस पर आपको 10% डिस्काउंट देंगे। संदीप भैया और जय भैया रिसेप्शन पे रहेंगे, संदीप भैया आपको होस्ट करेंगे। तो ये जो बुकिंग है सितंबर 2024 तक अवेलेबल है मेरी वीडियो के थ्रू। तो ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। नमस्कार सर।